हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जेबीआर ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट यू कैन आल्सो विजिट आवर वेबसाइट फॉर द अदर्स चैप्टर द वेबसाइट लिंक इज इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो हेलो एवरीवन नाउ इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6c जो लास्ट वीडियो था उसमें हम सिक्स बी सॉल्व किया था और उसके पहले सिक्स ए दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं सो एक्सरसाइज सिक्स सी करने से पहले हम थोड़ा यहाँ पर जो इंडेक्स का जो लॉ होता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मेमोराइज कर लेंगे ओके जैसे मान लीजिए पहले जो मल्टीप्लीकेशन लॉ था एक्स टू पावर एम इन टू एक्स टू दावर एम यहाँ पर देखिए दोनों का ही बेस सेम दिया हुआ है एक्स एक का पावर है एम और दूसरे का पावर एन सो एक्स टू दावर एम प्लस एन हो जाएगा ओके okay? मल्टीप्लीकेशन के लिए पावर में एडिशन होता है सिमिलरली अगर आपके पास डिविशन दिया हुआ है इसको आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू टू पावर पावर डिवाइडेड सो इसका आंसर होगा एक्स टू दावर एम माइनस एन ओके okay? डिविशन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है नेक्स्ट टू पावर एम होल टू दावर एन इक्वल टू टू पावर एम एंड एन पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लियर एक्स वाई होल टू पावर एम इसका मतलब एक्स का भी पावर एम वाई का भी पावर एम अगर मान लीजिए इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो सेम ही होगा यहां पर भी एक्स का भी पावर एम वाई का भी पावर एम हो जाएगा ओके okay? एक्स टू दावर माइनस एन इसका मतलब होता है वन बाई एक्स टू दावर एन एन कोई भी नंबर हो सकता है वन टू थ्री फोर कोई भी नंबर हो सकता है ओके एंड द लास्ट वन इफ एक्स टू दावर एम इक्वल टू एक्स टू दावर एन दैट मीन्स एम इक्वल टू एन ओके इफ एक्स टू दावर एम इक्वल टू एक्स टू दावर एन दट मीन्स एम इक्वल टू एन क्लियर तो चलिए अब हम एक्सरसाइज थ्री सॉरी सिक्स सी का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पर दिया हुआ है टू पावर जीरो इंटू फोर टू दावर माइनस वन प्लस वन सॉरी प्लस एट टू दावर वन बाई थ्री अब फाइव टू पावर जीरो का वैल्यू वन होता है कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो रहेगा उसका वैल्यू वन फोर टू दावर माइनस वन मीन्स वन बाई फोर और यहाँ पर देखिए एट एट का मतलब होता है टू टू दी पावर थ्री उसके साथ पावर वन बाई थ्री था इसलिए दोनों पावर में मल्टीप्लाई होगा सो थ्री थ्री कैंसल आउट इट विल बी वन बाई फोर प्लस टू इसको हम एल सी एम करेंगे वन प्लस एट बाई फोर सो नाइन बाई फोर दैट मीन्स टू होल वन बाई फोर दैट इज योर फाइनल आंसर चलिए नेक्स्ट हम करेंगे क्यूब रूट सिक्सटी फोर होल टू पावर माइनस फोर इंटू वन ट्वेंटी फाइव होल टू दावर माइनस टू तो यहाँ पर सिक्सटी फोर होल्ड टू पावर माइनस फोर दिया हुआ है अब सिक्सटी फोर मतलब होता है फोर टू पावर थ्री ओके सो यहाँ पर क्यूब रूट लिखेंगे फिर फोर टू पावर थ्री होल टू पावर माइनस फोर और यहाँ पर वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव इट विल बी फाइव टू दी पावर थ्री होल टू दावर माइनस टू ओके ना क्यूब रूट फोर टू दावर माइनस ट्वेल्व बिकॉज थ्री इंटू माइनस फोर माइनस ट्वेल्व और यहां पर फाइव टू दावर माइनस सिक्स नाउ क्यूब रूट का मतलब होता है मान लीजिए क्यूब रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू दावर वन बाई थ्री ओके क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में वन बाई थ्री तो यहाँ पर भी फोर टू पावर माइनस ट्वेल्व इसका भी पावर में वन बाई थ्री होगा और फाइव टू पावर माइनस सिक्स इसका भी पावर में वन बाई थ्री होगा ओके सो इट विल बी फोर टू पावर माइनस फोर बिकॉज थ्री कैंसिल आउट विथ ट्वेल्व और यहाँ पर फाइव टू पावर माइनस टू सो फोर टू पावर माइनस फोर मीन्स वन बाई फोर टू पावर फोर एंड फाइव टू दावर माइनस टू मीन्स वन बाई फाइव स्क्वायर तो हम यहाँ पर फोर टू दी पावर फोर निकालेंगे मतलब सिक्सटी फोर इंटू फोर वन बाई टू फिफ्टी सिक्स और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर सो इट विंसर सिक्स फोर डबल जीरो ओके सिक्स वन बाई सिक्स फोर डबल जीरो दैट इज योर फाइनल आंसर अब एक बार ध्यान से देख लीजिए तो आ, सम नंबर टू हो गया अब हम सम नंबर थ्री करेंगे मैं यहाँ पर थोड़ा इरेस कर लेता हूं आप चाहे तो जहां पर आपको जरूरत है वहां पर वीडियो पॉज करके आप वहां पर स्क्रीन ले सकते हैं सो so, सम नंबर थ्री नाइन टू पावर माइनस थ्री इंटू सिक्सटीन होल टू पावर थ्री बाई टू अगेन होल टू पावर वन बाई सिक्स नाउ नाइन टू दावर माइनस थ्री नाइन का मतलब होता है थ्री स्क्वायर सो थ्री टू द पावर टू अब इसके साथ माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा सिक्सटीन का मतलब होता है फोर स्क्वायर इसके साथ थ्री बाई टू मल्टीप्लाई होगा इसका होल टू दावर वन बाई सिक्स है टू टू कैंसल आउट सो थ्री टू दावर माइनस सिक्स इंटू फोर टू दावर थ्री अगेन होल टू द पावर वन बाई सिक्स अब देखिए होल टू दी पावर वन बाई सिक्स है इसका मतलब वन बाई सिक्स दोनों के ही साथ मल्टीप्लाई होगा सो so, हम यहाँ पर लिखेंगे थ्री टू पावर माइनस सिक्स इसके साथ वन बाई सिक्स फिर से फोर टू पावर थ्री इसके साथ वन बाई सिक्स सो सिक्स सिक्स कैंसल आउट थ्री टू पावर माइनस वन यहाँ पर फोर टू दावर हाफ अब देखिये एक्स टू दावर हाफ का मतलब होता है रूट एक्स ओके रूट का मतलब होता है x टू दी पावर हाफ तो यहाँ पर फोर टू दी पावर हाफ का मतलब हो गया रूट फोर रूट फोर का वैल्यू होता है टू सो थ्री टू दावर माइनस वन इट विल बी वन बाई थ्री एंड फोर टू दी पावर हाफ मीन टू योर फाइनल आंसर टू बाई थ्री ओके योर फाइनल आंसर टू बाई थ्री आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप पूरा सम एक साथ में देख सकते हैं तो हो गया सम नंबर थ्री अब हम करेंगे सम नंबर फोर तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं सम नंबर फोर सम नंबर फोर यहां पर अगेन क्यूब रूट सिक्सटीन होल्ड टू दावर माइनस थ्री बाई फोर इंटू वन टी फाइव होल्ड टू माइनस टू ओके सम नंबर टू एंड सम नंबर फोर अगेन सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई होप यू कैन सॉल्व दिस वन ओके प्लीज ट्राई इट आई होप यू कैन डू इट नेक्स्ट नंबर फाइव थर्टी टू होल टू दावर माइनस टू बाई फाइव डिवाइडेड बाई टू वन सिक्स टू दावर माइनस टू बाई थ्री अब देखिए थर्टी टू का मतलब होता है टू टू पावर फाइव इसके साथ माइनस टू बाई फाइव और यहाँ पर देखिए टू वन सिक्स टू वन सिक्स का मतलब होता है सिक्स टू पावर थ्री इसके साथ माइनस टू बाई थ्री तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा सो टू टू दी पावर माइनस टू डिडेड टू का मतलब होता है वन बाई फोर सिक्स टू दावर माइनस टू का मतलब होता है वन बाई थर्टी सिक्स तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे थर्टी सिक्स बाई वन योर फाइनल आंसर इज नाइन ओके जब भी आप फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे डिवीजन को पहले आपको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना होगा फिर लास्ट में जो आपके पास जो फ्रैक्शन है जैसे वन बाई थर्टी सिक्स इसको आपको में लिखना होगा यही प्रोसेस होता है ओके सो योर फाइनल आंसर इज नाइन चलिए सम नंबर वन हो गया अब हम स्टार्ट करेंगे 2. 2 का जो पहला प्रॉब्लम है यहां पर देखिए सिक्सटी फोर बाई वन ट्वेंटी फाइव इसका पावर माइनस टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई अगेन वन बाई टू फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स टू फाइव इसका पावर वन बाई फोर प्लस लास्ट में जो है माइनस सॉरी अंडर रूट ट्वेंटी फाइव और क्यूब रूट सिक्सटी फोर इसका पावर दिया हुआ है ज़ीरो अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा जिसके मैंने पहले ही बोला था कोई भी नंबर कोई भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो होगा उसका डिरेक्ट वैल्यू वन आ जाएगा तो यहाँ पर मैं जो अंदर आपके पास जो चीज़ दिया हुआ है आपको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसको मत देखिए पावर आपके पास अगर जीरो दिया हुआ है इसका मतलब पूरा वैल्यू इक्वल टू वन सो तो उसके अंदर अगर ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी रहे आपको देखने की जरूरत नहीं सिंपली दैट वन इक्वल टू वन आपको लिखना है ओके, okay? सो so, हम पर जो फर्स्ट दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे देखिए 64 और 125 पावर में आपके पास माइनस टू बाई थ्री दिया हुआ है इसका मतलब अगर हम इसको कोई भी नंबर का क्यूब में कन्वर्ट करेंगे सो थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा अब 64 का मतलब होता है फोर क्यूब और 120 का फाइव मतलब फाइव क्यूब इसको हम एक साथ लिखेंगे फोर बाई फाइव होल टू दावर थ्री बाहर में आपके पास माइनस टू बाई थ्री है मतलब तो होता है टू फिफ्टी सिक्स और नीचे जो सिक्स ट्वेंटी फाइव है फाइव टू पावर फोर का मतलब होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव तो इसको हम इस यहाँ पर फोर बाई फाइव होल टू दी पावर फोर लिखेंगे और पावर में वन बाई फोर पहले से ही था और लास्ट इसको वैल्यू वन लिख देंगे बिकॉज मैंने जैसे कि पहले ही बोला था कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो है उसका डायरेक्ट वैल्यू आपको वन लिखना है चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फ्रैक्शन हो नेचुरल नंबर कोई भी नंबर तो so यहाँ पर थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा सो फोर टू दी पावर फाइव होल टू दी पावर माइनस

ले सकते। तो चलिए टू वन हो गया अब नेक्स्ट वन टू टू सो टू टू करने से पहले पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं सो चलिए टू टू प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई थ्री इंटू टू यहाँ पर थ्री इंटू वन लिख सकते हैं या डायरेक्ट थ्री भी लिख सकते हैं वन बाई एट्टी वन पावर में नेगेटिव है इसको रेसिप्रोकल करके सिर्फ एट्टी वन लिखेंगे और पावर में हाफ हो जाएगा ओके यहाँ पर थ्री टू दी पावर थ्री मतलब ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री अब एट्टी वन का मतलब होता है नाइन स्क्वायर उसके ऊपर आपके यहाँ पास हाफ दिया हुआ है सो इट विल बी ओनली नाइन बिकॉज नाइन टू पावर वन का मतलब होता है नाइन सो इट ट्वेंटी फोर माइनस नाइन दट वन इक्वल टू फिफ्टीन ओके योर फाइनल आंसर इज इक्वल टू फिफ्टीन नाउ नेक्स्ट वन नंबर थ्री नंबर थ्री में यहां पर दिया हुआ है वन बाई फोर वन बाई फोर होल टू द पावर माइनस टू थ्री इंटू एट होल टू दावर टू बाई थ्री अगेन फोर टू पावर जीरो मतलब वन और यहाँ पर नाइन बाई सिक्सटीन होल टू द पावर माइनस हाफ तो इसको चेंज करके हम फोर टू पावर टू लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव हो गया एट का मतलब होता है टू टू पावर थ्री उसके साथ और पावर था टू बाई थ्री मल्टीप्लाई करेंगे इन वन यहाँ पर जो नेगेटिव था पावर में उसको चेंज करके पॉजिटिव करेंगे इसके लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे यहाँ पर और पावर में वन बाई टू लिखेंगे अब देखिए मतलब होता है पॉवर टू का मतलब होता है फोर so, मतलब और यहाँ पर सिक्सटीन और नाइन दिया हुआ है जैसे कि मैं पहले बोला था हाफ हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट सो सिक्सटीन का रूट होता है फोर और नाइन का रूट होता है थ्री सिक्सटीन बाई नाइन का हाफ को आप ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर सिक्सटीन बाई नाइन एंड वन इक्वल टू फोर बाई थ्री ओके आप चाहे तो यहां पर डायरेक्ट फोर बाई थ्री लिख सकते हैं सो नाउ सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व पहले आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा अब सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व प्लस फोर सो फोर प्लस फोर बाई थ्री सो अगेन इट विल बी 16 by 3. Okay, again the final answer is 16 by 3. Now, next one, sum number 2, 4. 16 whole to the power 3 by 4 plus 2 into 1 by 2 whole to the power minus 1 into 3 to the power 0.

81 होल टू दी पावर थ्री बाई फोर माइनस वन बाई थर्टी टू होल टू दावर माइनस टू बाई फाइव प्लस एट होल टू द पावर वन बाई थ्री वन बाई टू होल टू दावर माइनस टू और लास्ट में टू टू पावर जीरो सो एट्टी वन मतलब थ्री टू द पावर फोर सो थ्री टू दी पावर फोर इंटू थ्री बाई फोर और देखिए यहाँ पर वन बाई थर्टी टू ओके थर्टी टू का मतलब होता है टू टू पावर फाइव आपके पास वन बाई थर्टी टू है इसलिए हम इसको टू टू दावर माइनस फाइव लिखेंगे ओके सो टू टू दावर माइनस फाइव उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव जो पावर पहले से आपके पास है फिर यहां पर एट का मतलब होता है टू टू दी पावर थ्री उसके साथ वन बाई थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन बाई टू होल्ड टू दी पावर माइनस टू का मतलब होता है टू टू पावर टू नेगेटिव के लिए यहाँ पर फिर से रेसिप्रोकल होके होकर टू बाई वन हो जाएगा और टू टू पावर जीरो आंसर वन होता है फोर फोर कैंसिल आउट थ्री टू दी पावर थ्री मतलब ट्वेंटी सेवन यहाँ पर फाइव फाइव कैंसिल आउट माइनस माइनस प्लस सो टू टू दी पावर टू 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 दी पावर टू को हम एक साथ फोर लिखेंगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर थ्री थ्री कैंसिल आउट सो पर आपके पास एक टू है यहाँ पर टू टू दावर फोर टू टू पावर फोर का मतलब होता है सॉरी टू टू दावर टू 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 पावर टू का मतलब होता है फोर फोर इंटू टू इट्स एट दैट वन इक्वल टू थर्टी वन ओके योर फाइनल वैल्यू इज थर्टी वन फॉर सम नंबर फाइव नाउ नेक्स्ट वन सम नंबर थ्री दिस इज द लास्ट सम फॉर दिस वीडियो So, guys, if you like my video, please, please share this video and please subscribe my channel. So, evaluate x to the power half into y to the power minus 1 into z to the power 2 by 3. Now, x equal to 9, that means 9 to the power half, y equal to 2, so 2 to the power minus 1, z equal to 8, so 8 to the power 2 by 3. नाइन का मतलब होता है थ्री स्क्वायर सो थ्री स्क्वायर इंटू हाफ टू टू पावर माइनस वन मीन वन बाई टू एंड एट का मतलब टू टू पावर थ्री सो थ्री इंटू टू बाई थ्री यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा सो थ्री इंटू वन बाई टू और यहाँ पर टू स्क्वायर का मतलब फोर फिर टू से फोर कैंसल आउट योर फाइनल एंसर इज सिक्स दो वेरी इजी प्रॉब्लम ओके नेक्स्ट सम नंबर थ्री टू थ्री टू में ट्वेंटी सेवन बाई एट होल टू पावर टू बाई थ्री माइनस सॉरी वन बाई फोर होल टू दी पावर माइनस टू प्लस फाइव टू दी पावर जीरो अगेन इजी प्रॉब्लम इसको हम थ्री बाई टू का होल क्यूब लिखेंगे ओके इसको हम यहाँ पर फोर टू दावर टू लिखेंगे क्योंकि जो माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर फाइव टू द पावर ज़ीरो इक्वल टू वन लिखेंगे जैसे कि मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर थ्री थ्री कैंसल आउट हो जाएगा नाइन बाई फोर ओके फोर स्क्वायर मतलब सिक्सटीन प्लस वन सो नाइन बाई फोर माइनस फिफ्टीन ओके अब यहाँ पर हम एल सी एम करेंगे नाइन माइ यहाँ पर फोर एल सी एम होगा नाइन माइनस सिक्सटी दैट मीनस माइनस फिफ्टी वन बाई फोर इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं माइनस ट्वेल्व होल थ्री बाई फोर ओके माइनस ट्वेल्व होल थ्री बाई फोर नाउ द लास्ट सम अंडर रूट वन बाई फोर प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन होल टू द पावर माइनस हाफ माइनस ट्वेंटी सेवन होल टू द पावर टू बाई थ्री वन बाई फोर का मतलब होता है वन बाई टू रूट दिया हुआ है रूट वन का मतलब वन रूट फोर का मतलब टू दीस्ट वन बाई टू नेक्स्ट यहाँ पर वन बाई यहाँ पर होगा वन बाई हंड्रेड इट्स माइनस हाफ और ट्वेंटी सेवन का मतलब होता है थ्री टू पावर थ्री इंटू टू बाई थ्री सो हाफ प्लस हंड्रेड वन बाई हंड्रेड टू पावर माइनस हाफ मीन्स हंड्रेड टू पावर हाफ़ नेगेटिव था इसलिए मैंने पॉजिटिव कर लिया थ्री स्क्वायर मतलब नाइन सो हाफ प्लस टेन हो जाएगा क्योंकि हंड्रेड टू पावर हाफ का मतलब होता है रूट हंड्रेड एंड दैट वन इक्वल टू टेन नाउ टेन माइनस वन दैट इज वन हाफ प्लस वन दैट इज थ्री बाई टू ओके थ्री बाई टू दैट इज योर फाइनल आंसर